परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध का आज अष्टम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पिछले प्रसंग में महात्मा विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से विविध प्रकार के प्रश्न किए। शास्त्र की जो साध्य साधन के दो प्रकार की दृष्टि है, साध्य परमार्थ दर्शन सत्य साक्षात्कार और उसको प्राप्त करने का साधन मार्ग वैदिक मार्ग, उसी वैदिक मार्ग से संबंधित अनेक प्रश्न महाराज विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे। और बड़ी विनम्रता पूर्वक यह भी निवेदन किया कि स्नेही गुरु और पिता शिष्य और पुत्रों को जो वे अपने कल्याण की बात नहीं भी समझ पाते तो भी उसको वे बता देते हैं कि चलो इसने पूछा नहीं है किंतु यह बात आवश्यक है। इस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा कितनी उच्च कोटि की पवित्र निर्मल धारा के समान चली आ रही। और अब भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को आगे उपदेश करते हुए कहा कि इस तरह से पुराणार्थ विषयक प्रश्न जब किए गए मैत्रेय जी से तो अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और वे मुस्कुराते हुए विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपक्रम कर मैत्रेय वाद। श्रीधर स्वामी ने इस अष्टम अध्याय के विषय की ओर संकेत किया है। अष्टमे समभूत ब्रह्मा नाभेस्तु जलसायिनः तम अजानन जले विभ्यत तपसा तोषयत विभुम। इस अग्रिम अष्टम अध्याय में कौन सा विषय प्रस्तुत किया गया है? जलसाई भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य होगा और प्रगट होकर के ब्रह्मा जी अपने प्रगट करने वाले भगवान को नहीं जानने के कारण यह पद्म क्या है जिसमें वे बैठे हुए हैं इसको भी नहीं जानने के कारण प्रलयकालीन जल में वे भयभीत होने लगे और बाह्य प्रयत्न बहुत करने पर भी जान नहीं पाए। अंत में तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करेंगे। तपसा तो शायद विभुम, ये विषय इसमें अष्टम अध्याय में
प्रस्तुत किया गया है। मैत्रेय वाचो, मैत्रेय जी कहने लगे, सत्सेवनीयो बतपूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः बभूविफेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। श्री मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्नों को सुन करके, उनकी जिज्ञासा को देख करके बड़े गदगद हो गए और गदगद हो करके उनकी प्रशंसा करने लगे। कहते हैं कि कितने बत इति हर्षे, कितने हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। पूर्व महाराज का वंश, कौरव वंश, पूर्व वंश, मूल वंश पूर्व से चला रहा है, तो पूर्व महाराज का यह वंश जिसमें अवांतर कई शाखाएं हुई, यह वंश इतना महत्वपूर्ण है कि सत्पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य हो गया है। सदभि सेवनीय वंश, पूर्व महाराज का वंश सत्पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य हो गया है, क्योंकि इस वंश में भीष्म पितामह, महाराज पांडु और पांडव युधिष्ठिर आदि प्रकट में, तो यहाँ विदुर जी जैसे महापुरुष इसी वंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए ऐसे महान वंश में विदुर जी जैसे महात्मा के प्रकट होने से यह वंश सत्पुरुषों के द्वारा सेवनीय बन गया है। उत्तर गीता में भगवान का ही वाक्य है अर्जुन के प्रति, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार सच्चित सुख सागरेश मिलीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। जिसका चित्त अपार सच्चिदानंद परमेश्वर में लीन हो गया है, आनंद समुद्र में डुबकी लगा रहा है, ऐसे महापुरुष का कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, इतने नहीं यह पृथ्वी जो है पुण्यवती हो गई, ऐसे पुरुष को धारण किया पृथ्वी देवी ने, ये महिमा है। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी विदुर जी की इस तरह से प्रशंसा करके एक तरह की अर्चा कर रहे हैं, ठीक ठीक बात कहनी ही चाहिए कि एक तो ये, दूसरी बात और, ये लोकपालो भगवत प्रधानः, ये विदुर जी धर्म ही तो हैं, मांडव्य ऋषि के श्राप से इनको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा, ये लोकपाल हैं, और वे जन्म लेकर के अवतार लेकर के आए, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, लोकपालो बभूविथ, क्रिया में पहले अन्वय होगा, तो लोकपाल होते हुए भी पूर्व वंश में इन्होंने अवतार जल लिया, प्रगट हुए, और उससे बढ़कर के बात यह है, अजित कीर्तिमालाम पदे पदे अभीक्षणम नूतनयसि भगवत प्रधान सन, भगवान ही जिनके जीवन में प्रधान हैं, ऐसे लोकपाल होते हुए भी जिनके जीवन में भगवान की प्रधानता है, संसार की कुछ भी प्रधानता नहीं है, वे प्रकट हुए और पद पद में
अजित जो भगवान हैं उनके यश कीर्ति की माला को पद पद पर नया कर रहे हैं। पदे पते अधीक्षम नूतन यश नूतनम इहु प्रकटयशि। भगवान की यशो गाथा को महिमा को नई सी नूतन सी बना रहे हैं। टीका पहले कहते हैं श्रोतारम अभिनंदत, सुनने वाले श्रोता का अभिनंदन करते हैं। भक्ता का अभिनंदन तो होता ही है, श्रोता का भी अभिनंदन होता है। कहते हैं सताम सेवितुम योग्य, पूर्व महाराज का यह वंश सत्पुरुषों के सेवन करने योग्य है। बत शब्द आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए बत अहो, कितने सौभाग्य की बात है कि यह वंश जो है सत्पुरुषों के सेवन करने योग्य हो गया। माने सत्पुरुषों ने इस वंश में प्रकट होकर के अपना चरित्र प्रकट किया, अवतार लेकर के अपना जीवन दर्शन प्रकट किया। यत यस्मात् इहास्मिन् वंशे लोकपालो धर्मराजः, क्यों ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो इस पूर्व वंश में लोकपाल धर्मराज धर्मराजः संत्वम बभूवित हो, मध्यम पुरुष की क्रिया है ना, तुम प्रगट हुए हो, जातोषी कथम भूतः, कैसे हैं? भगवान एव प्रधान भूतो यशसः, जिसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान ही परम प्रधान है, महत्वपूर्ण है, मुख्य है, सेव्य है। अत्र हेतु, भगवान की प्रधानता का हेतु क्या है? अजितेति प्रतिक्षणम नूतनयसि नवीनाम करोषि, क्योंकि भगवान की यश कीर्ति को प्रतिक्षण आप नवीन बना रहे हैं। ये तो वे ही विदुर जी हैं जब धृतराष्ट्र के समक्ष दुर्योधन के द्वारा अपमानित किए जाने पर, तिरस्कृत किए जाने पर छोड़ के चले और सारी पृथ्वी के तीर्थों में भ्रमण करते रहे, भगवान की माया को नमस्कार करते। व्रतान चेरे हरितोषणानि पीछे कहा गया, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का जो है उन्होंने पालन किया, पूरे सतर्कता से पालन किया। व्रतान चेरे हरितोषणानि, इसलिए प्रतिक्षण उनका सारा जीवन, जीवन का एक एक क्षण भगवान की सेवा में समर्पित बना हुआ है। इसलिए भगवान की कीर्ति माला को पद पद में आप नया बना रहे हो, नवीनाम करोषि। इस तरह से सर्वप्रथम मैत्रेय भगवान ने श्रोता विदुर जी का अभिनंदन किया। अब इसके बाद उनके जो विविध प्रश्न थे, तद विभूतिर बदस्वनः, उन विराट भगवान की विभूतियों का वर्णन कीजिए ब्रह्मादिकों के, तो उसका उपक्रम करने लगे। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महत गतानाम बिरमाय तस्य प्रवर्तय भागवतम पुराणम व्यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः। पहले उपक्रम करते हैं माने संप्रदाय की परंपरा बताते हैं। कोई भी ज्ञान भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप संप्रदाय के रूप में ही ग्राह्य है, इधर उधर से आया हुआ नहीं। इसलिए
क्योंकि विदुर जी के सारे प्रश्न पुराणों के ही अर्थ थे, इसलिए पुराणों के माध्यम से ही उनका उत्तर देना है। अतः श्रीमद् भागवत पुराण सुनाना है। वह श्रीमद् भागवत पुराण की यह दूसरी परंपरा है, उसी को मैं सुनाऊंगा, प्रवक्त करूंगा। पहले कहते हैं, सोहम नाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महत गतानाम बिरमाय तस्य। किस लिए, किस प्रयोजन के लिए? माने चाहते तो सीधे सीधे उन प्रश्नों का ही अलग अलग विवेचन कर देते, उत्तर हो जाता। लेकिन एक बात है, देखिए, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में शास्त्रों के दो ढंग से प्रवृत्ति है। एक तो शास्त्रीय शैली माने सिद्धांतों के प्रतिपादन की शैली। इस शैली में जैसे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, वहां पर सिद्धांतों का उपस्थापन किया गया क्रमबद्ध करके। और दूसरी शैली होती है संवाद शैली। संवाद शैली में विषय तो वही रहता है, सिद्धांत तो वही रहते हैं, किंतु उसको श्रोता वक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कोई प्रश्न करने वाला होगा, कोई उत्तर देने वाला होगा, और प्रश्न उत्तर सुन करके फिर प्रश्न भी कर सकता है वह। इस तरह से यह संवाद शैली का शास्त्र है, ग्रंथ है। संवाद शैली में जब शास्त्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि वहां श्रोता वक्ता के भावों की स्थिति का भी आकलन होता है। इसलिए कहते हैं, सोहम नाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महत गतानाम। कहते हैं कि मैं नाम क्षुल्ल सुखाय महत दुखम गतानाम, संसार के मनुष्यों की हालत क्या है? अत्यंत क्षुद्र, सुख पाने के लालच में बड़ा भारी दुख ढोने लगते हैं। महत दुखम गताना, सुख तो मिलेगा अत्यंत अत्यल्प मात्रा में, किंतु उसके प्राप्त करने के लालच में दुख का पहाड़ ढोना पड़ेगा। संसारी मनुष्य की, जीव की यह हालत है, सारे मनुष्यों की, नाम मनुष्य मात्र की, क्षुद्र सुख के लिए बहुत बड़े दुख को मोल ले लेते हैं। महत दुखम गतानाम, और इस तरह से वे यह नहीं जान पाते कि हमने भूल की है, वही वही करते रहते हैं, और इस तरह से दुख उनका बढ़ता चला जाता। वह विराम लेने का नाम नहीं लेता। उसका विराम कैसे हो? माने जो मनुष्य सुख के लालच में बड़े भारी दुख का पहाड़ सिर में रख लेता है, उसके उन दुखों का विराम कैसे हो? उसके अपने बस की बात नहीं है। ये तो विदुर जी ने पहले प्रश्न में कर दिया था, सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए है ना, जीव की चेष्टाएं हैं, किंतु करोड़ों जन्म बीत गए, सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं, फिर भी वही काम कर रहा है मनुष्य। अब क्या किया जाए? इसको इतनी भी अकल नहीं आई अब तक, इसलिए उसके अपने बस की बात नहीं है। तस्य महत दुखस्य बिरमाय, उन मनुष्यों का महान दुख का विराम कैसे हो, समाप्त कैसे हो? उसी के लिए भागवतम पुराणम प्रवर्तये, श्रीमद् भागवत पुराण को मैं प्रवर्त कर रहा हूं।
कौन सा है भागवत पुराण ये जो आप जिसको कहने जा रहे हैं? यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य श्रीमद भागवत पुराण वही है जो साक्षात भगवान शंकरसन के द्वारा ऋषियों को उपदेश दिया गया, शनकादिकों को, वही श्रीमद भागवत पुराण में प्रवृत्त करने जा रहा हूं। ठीक है। अल्प सुखाय महादुखम प्राप्ता नाम, थोड़े से सुख के लालच में बहुत भारी दुख को जो प्राप्त हो रहे हैं, सस दुख से बिरमाय, उस महादुख के नाश के लिए प्रवर्तय माने प्रारंभ है। मैं भागवत पुराण का प्रारंभ करने जा रहा हूं। अब श्रीमद् भागवत की सांप्रदायिक परंपरा बता रहे, आपको यह पुराण कहाँ से मिला, जिससे आपने प्राप्त किया उन्होंने किससे प्राप्त किया। आगे कहते हैं कि जिसको स्वयं भगवान के द्वारा शनकादिकों को उपदेश किया गया है, अब कहते हैं आसीन मूर्व्याम भगवंत माध्यम संकर्षणं देव मकुंथ सत्वं विविधवस्तस्तत्वमत परस्य कुमार मुख्या मुनयून प्रक्षण। संप्रदाय की परंपरा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि देखो पूर्व्याम पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में भगवान शंकरसन विद्यमान थे। भगवंतम आद्यम संकर्षणम, संकर्षण देव भगवान विद्यमान थे और अकुंठ सत्वम, जिनका सत्व अकुंठ होता है उनके पास आकर के विवत् सवस्तत्व मत परस्य, अतः मने इन्हीं भगवान शंकरसन से परस्य तत्व विविद सव परस्य परमेश्वरस्य परब्रह्मण, परम ब्रह्म परमेश्वर के तत्व को जानने की इच्छा वाले विविदसु, बहुवचन में विविद सव, वे तुम जानने की अभिलाषा वाले कौन लोग हैं? कुमार मुख्या मुनयोन प्रच्छन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये मुख्य जो ऋषि हैं श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वे उनके पास परब्रह्म परमेश्वर के तत्व का स्वरूप जानने के लिए, उनसे प्रश्न करने के लिए आए। ठीक है। कोसौ भगवान, ये भगवान कौन है और वे ऋषि कौन है जिनको उन्होंने उपदेश किया भागवत पुराण का? केभ्यश्च ऋषिभ्यः आह, ये भगवान उपदेश करने वाले कौन है, वे ऋषि कौन है जिनको उपदेश किया? कथम च त्वया प्राप्तम, और आपको वह भागवत पुराण कैसे प्राप्त हुआ? इत्यपेक्षाया मा, इस प्रकार की अपेक्षा जानने की हो तो कहते हैं सात श्लोकों से परंपरा का उल्लेख कर। आसीन मित सप्त भी पूर्व्याम पाताल तले अकुंठ सत्वम अप्रतिहत ज्ञानम, पाताल लोक में भगवान शंकरसन विद्यमान हैं जिनका ज्ञान कभी प्रतिहत नहीं होता, तीनों काल में जिनका ज्ञान नित्य बना रहता है, प्रकाश रूप बना रहता है, कुंठित नहीं होता। अतः संकर्षणात्, उन्हीं भगवान शंकरसन से है ना, परस्य परमेश्वरस्य वासुदेवस्य, परम परमेश्वर भगवान वासुदेव का तत्व जानने के लिए शनकादिकों ने प्रश्न किया था।
तो ऐसे भगवान शंकरसर से प्रश्न करने पर उन्होंने ही उपदेश किया था। अब उन्हें का स्वरूप बताते, स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाधिधमा मनन्ति प्रत्यग्धताक्षां भुजकोशमीषद् उन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वे भगवान शंकरसर जो पाताल लोक में विद्यमान हैं, वे स्वमेव धिष्ण्यं बहुमानयन्तं, अपने धिष्ठ माने अधिष्ठान भगवान वासुदेव को ही सब कुछ मान रहे हैं। सर्वाधिष्ठान भगवान वासुदेव के अतिरिक्त और कहीं उनकी दृष्टि नहीं, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का चिंतन, तो उनका वह अधिष्ठ कौन है शंकरसर भगवान का? यम वासुदेवाधिधमा मनंती, ऋषि लोग भगवान शंकरसर के उस धिष्ण धाम का नाम वासुदेव करके कहते हैं। वासुदेव नाम से उनके धिष्ण को कहते हैं ऋषि लोग। उन्हीं भगवान वासुदेव जो उनके अपने निज धाम है, अधिष्ठान है, उन्हीं के ही ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। प्रत्यग्धताक्षाम्बुज को समीषद उन्मीलयंतम विबुधोदयाय, ऐसे शंकरसर भगवान के पास आकर के शनकादिकों ने प्रश्न किया था। तो उस समय अपने भीष्म को सम्मानित करते हुए भगवान शंकरसर की क्या हालत है? प्रत्यग्धताक्षाम्बुज को समीषत, क्योंकि उनके अंतःकरण में अपने पूज्य भगवान वासुदेव का ही स्मरण बना हुआ है। उनकी इंद्रियां जो हैं अंतर्मुख हैं, नेत्र कमल जो हैं है ना बंद हुए, बंद हैं, खुले हुए नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं। अम्बुज कोश मीषद उन्मीलयंतम विबुधो दयायो, ऐसी हालत में ही शनकादिकों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके प्रश्न किया। तो इसलिए उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए थोड़ा सा शंकरसर भगवान ने अपने नेत्रों को खोला। ईषद उन्मीलयंतम, ईषद माने थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा सा खोल करके कौन प्रणाम कर रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, इतना। विबुधो दयाय, क्यों? उन विबुध देवताओं के उदय माने कल्याण के लिए, क्योंकि कोई इतने दूर से आया है कुछ जानने के लिए, तो उसका स्वागत सम्मान होना चाहिए, उसके प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए। तो इसलिए उनके प्रणाम करते ही थोड़ा सा आंखें खोल करके देखा, उन्मिलन निमिलन किया। ठीक है, तमेव विष्णस्ति, उन्हीं शंकरसर भगवान को प्रस्तुत करते हैं विशेषता पूर्वक। स्वमेव धिष्ण्यं स्वीयं आश्रयं वासुदेव संज्ञं, धिष्ण माने आश्रय अधिष्ठान, शंकरसर भगवान का अपना आश्रय अधिष्ठान क्या है? वासुदेव नाम का है, परमानंद रूपम। वासुदेव शब्द का अर्थ बसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्ति वसु दिव्यतेत देवा वसुश्च देवस्य वासुदेव, स्वार्थ में अण पड़ते हैं। वासुदेव शब्द सर्वाधिष्ठान तत्व, ब्रह्म तत्व।
उसी को परमानंद रूपम ध्यान कथे अनुभूय संकर्षण भगवान ध्यान के मार्ग से वासुदेव तत्व का अनुभव करके उसी में डूबे हुए हैं बहुमानयंतम, है ना। अब उनके अलावा और कुछ सुनने देखने ध्यान करने लायक है नहीं, यही बहुत मान करना। मानयंतम सर्वोत्कर्षण पूजयंतम, सर्वोत्कृष्ट ये भगवान ही हैं, इस प्रकार से उनका मानसिक पूजन मानो कर रहे हैं। प्रत्यक्ष धर्म अंतर्मुखी कृतम नेत्रांबुज मुकुलम, और इसलिए ध्यानावस्था में होने से नेत्र कमल को वे अंतर्मुख किए हुए हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं। किंतु जब संकादिकों ने आकर के प्रणाम किया तो किंचित उन्मीलयंतम, थोड़ा सा पलक को खोल करके अध खुली पलक से कृपावलोकनेन सनत कुमारादीनाम अभ्युदयार्थम, क्यों कृपा पूर्वक अवलोकन करके अवलोकन के लिए कि कौन आए हैं, किसके लिए अवलोकन किया, उनके अभ्युदय के लिए ऐसे। अब आगे संकादिकों की बात कहते, स्वर्धुनुराद्रै स्वजता कलापै उपस्प्रसंतः चरणोपधानम् पदम यदर्चन्ते हिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः, है ना। मैत्रेय जी कहते हैं स्वर्धुनी माने गंगा, देव नदी गंगा, उदार द्रई ही तो सत्य लोक या ब्रह्म लोक से सनकादिकों ने गंगा का मार्ग चुना, गंगा की धारा स्वर्ग लोक से अवतरित हो रही है तो उसी गंगा की धारा में चल पड़े, धारा के साथ अपने आप बह रहे हैं, उनकी जटाएं जो हैं गीली हो गई। स्वर्धुनी उदार द्रई ही, स्वर्धुनी गंगा उनके जल से जिनकी जटाएं गीली हो गई हैं, तर हो गई हैं, टूट गई हैं, स्वजटा कलापई ही ऐसे अपने जटा कलापों के द्वारा जटा समुदाय के द्वारा उपस्प्रसंतः चरणोपधानम, यहाँ पाताल में आकर के भगवान शंकरसन के पास पहुंचे और उनके चरण रखने का उपधान पीठ चरण पीठ, है ना, जटा गीली जटाओं से भगवान शंकरसन के चरणोपधान का प्रणाम कर रहे, स्पर्श कर रहे उनका उपधान। चरणोपधान क्या है, पद्मम कमल रूप है, चरणोपधान चरण स्थापन करने का जो पीठ है पद्म रूप है, कमल रूप है, जिस कमल को यदर्चन्ते अहिराज कन्या, अहिराज कन्याएं सर्पराज वासुकी की कन्याएं जिसकी अर्चा पूजा किया करती हैं, भगवान शंकरसन के चरणोपधान पद्म की पूजा करती हैं, किस लिए करती हैं, सप्रेम नाना बलिभिर बरार्था, बड़े प्रेम से नाना प्रकार की उपहार सामग्रियां अर्पण करते हुए बड़े प्रेम से जिस चरणोपधान पद्म की पूजा करती हैं, है ना, अपनी गीली जटाओं से सनकादिकों ने उसी चरणोपधान पद्म का स्पर्श किया, प्रणाम किया। ठीक है, मुनि नाम विशेषण सार्धेन, डेढ़ श्लोक में सनकादि मुनियों का विशेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर्धुन्या उदके नारद्रैरिति
स्वर्धुनी गंगा के उदक माने जल से गीली हैं जटाएं जिनकी। श्री भागवत श्रवणार्थम सत्यलोकात पातालम प्रत्यवतरंतः। श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सत्यलोक ब्रह्मलोक से पाताल की ओर जब उतरने लगे तो अवतरंतो निरंतरम गंगा मध्यतः एव अवतीर्णाः। निरंतर गंगा के मध्य में धारा की ओर धारा से ही चल करके आए, वहां कोई श्रम करना नहीं, धारा में खड़े हो जाओ अरे आ जाओगे। इति भावः। आ करके यहाँ संकर्षण भगवान के चरणों प्रधान कह अपनी गीली जटाओं से स्पर्श किया। चरण उपधीयते यस्मिन पद में, जिस पद्म कमल में संकर्षण भगवान अपने चरणों को स्थापित किए रहते हैं, उसी चरणों प्रधान को गीली जटाओं से स्पर्श कर रहे हैं। तदुपस्पृशन्तो नमन्तः, नमन कर रहे हैं। कथम भूतम तदा, कहते हैं कि भगवान शंकरषण का चरणों प्रधान कैसा है वह पद्म। यत् पद्मं प्रेम सहितं यथा भवत्येवं नानोपहारैः पूजयन्ति। जिस चरणों प्रधान पद्म को प्रेम पूर्ण भाव से नाना प्रकार के उपहार अर्पण करके है ना नागराज की कन्याएं पूजा करती हैं। वरार्थाः पति कामाः, अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए। मुहुर ग्रहण तो वचसानुराग स्खलत पदे नाश्य कृतानि तज्ज्ञाः। किरीट साहस मणि प्रवेको प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्रम। पुनः कहते हैं कि शनकादिकों ने जब आकर के भगवान शंकरषण का दर्शन किया था तो उस समय मुहुर ग्रणंतो बचसा अनुराग, शनकादि भगवान के यश का गान कर रहे थे। हरी शरणम तो हमेशा कहते ही रहते हैं और भगवान के प्रति अत्यंत अनुरक्त होने से उनकी वाणी स्खलित हो रही थी। प्रेम पूर्ण अनुराग के कारण जिनकी वाणी स्खलित हो रही थी, ऐसे वे लोग है ना भगवान के यश का गुणगान करते हुए आए हुए हैं। अस्य कृतानि तज्ज्ञाः, क्योंकि भगवान के कृत्यों के रहस्य को जानने वाले, सनक सनंदन आदि भगवान के लीला चरित्रों के रहस्य को जानने वाले हैं, इसलिए प्रेम पूर्ण दृष्टि से हृदय से स्खलित होने वाले पदों के द्वारा वाणी के द्वारा भगवान के यश का गान करते हुए आए हुए हैं। और उसी समय किरीट साहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्रम। कहते हैं कि शंकरषण भगवान के जो हजार सहस्र फण हैं उनमें किरीट मुकुट धारण किए हुए हैं, उन किरीटों में मणियां हैं है ना, मणियों का प्रकाश, उससे उनके सारे फण जो हैं प्रद्योतित हो रहे, प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रद्योतोद्दाम फणा सहस्रम, ऐसे भगवान शंकरषण के पास आ करके अन्व प्रच्छन्न पीछे क्रिया है तीसरे श्लोक वाली, ऐसे भगवान शंकरषण से शनकादि ऋषियों ने अन्व प्रच्छन्न प्रश्न किया, भगवत यश गुणगान के लिए प्रश्न किया। टीका, कृतानि कर्माणि गणन्तः। शनकादि भगवान के लीला चरित्रों को जो भगवान के द्वारा समय समय पर किए गए थे उनका उच्चारण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं।
केन अनुरागेण स्खलन्ति पदानि यस्मिन् तेन वचसा। उस वाणी के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, है ना, जो अनुरागातिशय के कारण जो वाणी स्खलित हो रही है, भगवत प्रेम में वाणी स्खलित हो रही है, ऐसी स्खलित होने वाली वाणी के द्वारा भगवत यश का, है ना, वर्णन कर रहे हैं। तान जानंती तजग्या, क्योंकि सनकादि भगवान के मंगलमय दिव्य लीला कर्मों को जानने वाले हैं। पूर्वेशाओं पूर्वजा है ना, सहस्रमेव सहस्रम क्रीटा नाम सहस्र ये मणि प्रवेका, स्वार्थ ज्ञान प्रत्यय सहस्रमेव सहस्रम, उनके मुकुट प्रत्येक है ना सिर में है, तो हजार सिर हैं तो हजार मुकुट हो गए, किरीट हो गए, उनमें मणियां हो गई, मणियों के प्रवेक उत्तम रत्न, तय प्रद्योतितम उद्दाम फणानाम सहस्रम, उन हजारों मणियों के में लगे हुए उत्तम रत्नों से उनके ही फण जो हैं प्रकाशित हो रहे हैं, मणियों से फण प्रकाशित हो रहे हैं हजारों का। यश तम अप्रच्छन पूर्वेणान्वय, ऐसा विशेषण विशेषित भगवान शंकरसन से ऋषियों ने सनकादिकों ने पूछा। तीसरे श्लोक से अन्वय होगा। और जब उन्होंने प्रश्न किया पूछा तो शंकरसन भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत सुनाया, उसी को आगे कह रहे हैं। प्रोक्तम के लयत भगवत तमेनो निवृत्त धर्माभिरता यतेन सनत कुमाराय सचा कृष्ट सांसायनायांग धृतब भृतायो। उन भगवान शंकरसन ने निवृत्ति धर्म में रत रहने वाले सनकादिकों को सनत कुमार को उपदेश किया। निवृत्त धर्माभिरता, निवृत्ति धर्म में जो अभिरत बड़ी रुचि है जिनकी। और देखिए उधर भगवान व्यास जी ने भी भगवान सुखदेव जी को जो श्रीमद् भागवत का उपदेश किया उसका संकेत प्रथम स्कंद में भी आया है और नवम स्कंद में भी आया है। नवम स्कंद में यह आया है वंश वर्णन के प्रकरण में, स्वयं भगवान सुखदेव जी अपने मुख से बता रहे हैं कि हमारे पिता भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत रचा, रच करके रख लिया, फिर सोचते रहे किसको पढ़ावे किसको दें। तो यद्यपि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को पढ़ने वाले शिष्य वहां बहुत से मौजूद थे, उनको किसी को नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि असल में वेदों का ज्ञान तो करने के लिए वे लोग आए हैं। यज्ञोपवीति होने के बाद वरना द्विजाति को वेद पढ़ना ही चाहिए, धर्म है वह, तो धर्म को जानने के लिए धर्म करने के लिए आए हैं वे। श्रीमद् भागवत के पात्र अधिकारी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत का अधिकार तो उसको है जो जो पूर्णतया विरक्त हो, वैराग्य हो, ये है। इसलिए बहुत समय तक वो विचार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, अंत में सुखदेव जी को पढ़ाया। वही बात यहाँ पर भी है। तो दोनों श्रीमद् भागवत की परंपराओं के अनुसार, और देखिए नाम ही पारमहंस संहिता ही है, तो इन सब चीजों पर दृष्टि डालनी चाहिए, गौर करना चाहिए, उसको बिल्कुल एकदम खिलवाड़ की तरह से प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। कितनी उत्कृष्ट वस्तु है, उस वस्तु की महिमा को गिरा देना तो अपराध करना है। तो वही कह रहे हैं कि निवृत्त धर्माभिरतायो, निवृत्ति धर्म में जो अभिरत हैं, पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। और निवृत्ति धर्म तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में हमने बताया था ना कि
सृष्टि की रचना के समय भगवान ने दोनों धर्म प्रकट किए और निवृत्ति धर्म पहले प्रकट करके संकादिकों को सौंपा कि ये संभालो, पीछे प्रवृत्ति धर्म बना करके मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा तुम इसको संभालो, तुम इनको तो संभलाया गया है, इसलिए इनकी जैसी निवृत्ति धर्म और कौन पालन कर सकता है, तो उनको जो है उपदेश किया निवृत्त धर्माधिरताय तेन सनत कुमार आय सचाह प्रस्ताह। और फिर उन भगवान सनत कुमार जी ने उपदेश किया, उनको मिल गई भागवत। सांख्याय नायांग धृतव्रतायो, सांख्यान नाम के आचार्य हुए हैं, उनको उपदेश किया। उनका भी एक विशेषण है धृतव्रताय, जो है ना व्रत धारण करने वाले थे, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे सांख्याय आचार्य, उनको उपदेश किया। ठीक है, तेर संकर्षणेन हो सनत कुमाराय प्रोक्तम, उन भगवान शंकरषण ने सनत कुमार जी को उपदेश किया और उन्होंने जो है सांख्यायन को किया। टीका में ज्यादा विस्तार नहीं, ठीक है बात आ गई। अब सांख्यायन ने किसको उपदेश किया, सांख्यायन पारम हंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवत विभूति ही। सांख्यायन के लिए कहते हैं, एक तो पहले उनका विशेषण है परम हंसों की जो चर्या है उस चर्या में मुख्य है, पारमहंस जो धर्म है उस धर्म के पालन करने वालों मुख्य है सांख्यायन उस समय। उन्होंने तो देखिए विवक्षमाणो भगवत विभूति ही, उनके मन में आया कि भगवान की विभूतियों का हम वर्णन करें, किसी ने पूछा नहीं आकर के, उनके मन में अपने आप आया कि भगवत विभूतियों का हम वर्णन करें तो किसको सुनाएं, किसके सामने वर्णन करें। तो जगाद शोष मद गुरवे निदायो, मैत्रेय जी कहते हैं कि हमारे गुरु भगवान पराशर अन्विताय जो उनके अनुयायी थे, मनसा वाचा कर्मणा उनके सेवा में, पराशरायात बृहस्पतेश्च, और बृहस्पति दो को पराशर जी और बृहस्पति को उपदेश किया उन्होंने। टीका, पारमहंसे धर्मे मुख्य सांख्यायन आचार्य परमहंस धर्म में मुख्य रूप से स्थित थे। विवक्षमाण इत्यात्मने पदम, विवक्षमाण में आत्मने पद है, आत्मने पद नहीं होता तो सांच प्रत्यय न होता, क्षत्रिय हो जाता। ब्रूया देशस्य बचे रूप उभय पदित्वात्, तो कहते हैं कि बच परिभाषणे धातु तो आत्मने पदी है नहीं, फिर आत्मने पद मान करके सांख्य प्रत्यय क्यों किया, कैसे किया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो एक धातु को ब्रू आदेश हो जाता है, ब्रू बची सूत्र है, तो आदेश हो जाने के बाद वह धातु उभय पदी बन जाती है, पहले तो परस्मै पदी है लेकिन उसका जब आदेश हो गया तो उभय पदी हो जाने से आत्मने पद भी हो जाएगा, बचे उभय पदित्वात् अन्विताय अनुगताय, वे बड़े अनुगत थे इसलिए पराशर जी को और बृहस्पति जी को उपदेश किया, हमारे गुरु हैं। मैत्रेय जी कहते हैं गुरु का नाम ले रहे हैं तो गुरु कह करके कह रहे हैं, और कहते हैं कि फिर उन पराशर जी ने प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनिपुलस्तेन पुराण माध्यम सोहम तवैतत् कथयामि वत्सो श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय। इसके बाद हमारे गुरु पराशर जी ने
हमको यह उपदेश किया। सा दयालु मह्यम प्रवाच, उन दयालु पराशर जी ने मुझको उपदेश किया, लेकिन कब किया? मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम, पुलस्तेन उक्ता सन, पुलस्त जी ने उनको प्रेरित किया पराशर जी को, तब जो है उन्होंने मुझे उपदेश किया, है ना, पुराण माध्यम आदि पुराण उनके द्वारा यही उपदेश किया गया है। वही पुराण हम तुमको सुनाएंगे। सोहम तवई तत् कथयामि वत्सो श्रद्धालवे नित्यम अनुव्रताय। वही पुराण मैं तुमको कहने जा रहा हूँ हे वत्स विदुर जी, क्योंकि तुम श्रद्धा करने वाले हो, नित्य अनुव्रत हो, अनुयायी हो, श्रद्धालवे नित्यम अनुव्रताय। नित्य मनुव्रताय का मतलब होता है कि कोई लोग ऐसे श्रद्धा वाले होते हैं, 3 दिन की श्रद्धा फिर खत्म, ऐसा नहीं, श्रद्धा हो गई तो हो गई, नित्य मनुव्रताय। अच्छा, कोई कहे कि क्या जा, क्या पता आगे अनुयायी बने रहेंगे, पता चल जाता है, इतनी तो दिव्य दृष्टि होती है ना। ठीक है, पुलस्तेन उक्तः इत्यत्र एवं आख्यायिका। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु पराशर जी ने पुलस्त जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मुझको सुनाया, कहा। तो कहते हैं कि कहने पर कहा, इसका क्या मतलब? तो उस पर एक आख्यायिका है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इत्यत्र एवं आख्यायिका, क्या? पितरम राक्षस भक्षितम श्रुत्वा, महाभारत में यह प्रसंग आया है कि पराशर जी के पिता को विश्वामित्र जी के क्रोध के आवेश में आ जाने पर राक्षस के द्वारा खा लिया गया। तो जब पिता को राक्षस ने खा लिया या सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया। पराशर राक्षस सत्रे प्रवत्ता, राक्षसों का नाश करने के लिए एक यज्ञ किया पराशर जी ने, किंतु उनके परम पूर्वज भगवान वशिष्ठ आए और कहा कि बस ये ठीक नहीं है, ब्राह्मण को जो है तितिक्षु होना चाहिए। वशिष्ठ वचना निवृत्त, वशिष्ठ जी के कहने पर निवृत्त हुए। वशिष्ठ जी के क्षमा की तो ब्रह्मांड में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। महाभारतकार कहते हैं कि उनके 100 पुत्रों को नष्ट कर डाला विश्वामित्र ने। वहां कहते हैं गंधर्व अर्जुन को बता रहा है प्राक्तन इतिहास के बारे में कि वशिष्ठ जी में यह सामर्थ्य था कि यमलोक से जाकर के पुत्रों को ले आ सकते थे। तो पुत्रों के वियोग का दुख तो सह लिया और यह सामर्थ्य मौजूद है, लेकिन गए नहीं लेने के लिए, दुख सहते रहे, क्षमा। इसलिए समग्र सिद्धियों का मूल जो है आचार्य का वर्ण है, इसी प्रसंग में बताया है महाभारत। तो उनके कहने से इन्होंने उस शत्रु को रोक दिया। तब पुलस्त जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि असुरों से पुलस्त का संबंध है। तो पुलस्त प्रसन्न होकर के स्वसंतत रक्षणा तुष्टेन, अरे देखो पराशर जी कितने महान हैं, हमारे वंश के असुरों की रक्षा कर दी इन्होंने, वशिष्ठ जी की बात मान ली, न मानते तो हम क्या करते। तो तुष्ट होकर के परो वरो दत्ता, वरदान दे दिया, जाइए आप पुराण वक्ता होंगे, है ना, वरो दत्ता पुराण प्रवक्ता भविष्य सीति। तो ये वरदान मिलकर के पुराण के प्रवक्ता हुए, तब जो है उन्होंने मुझको उपदेश किया श्रीमद् भागवत का, ये है। अच्छा, अब जो है क्या श्रीमद् भागवत जो है शंकरषण भगवान ने सुनाया शंकादिकों को, अब उसका आरंभ करते हैं।
अब भागवत का आरंभ प्रारंभ हो गया। कहते हैं उदात्मृतम विश्वमिदम तदाशीत यन्निद्रया मीलित दृंग्य मीलयत अहिंद तल्पे दिशयान एक प्रदक्षण स्वात्मरतौ निरीह। विदुर जी के द्वारा मैत्रेय जी से पीछे जो प्रश्न किया गया था, कई प्रश्नावली प्रस्तुत की गई थी, तो उसी प्रसंग को आगे विसर्ग के रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न तो वही था, विभूतियों का वर्णन करो। तो विभूतियों के वर्णन में सबसे पहली विभूति ब्रह्मा की उत्पत्ति है। तो ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हुए, किनसे उत्पन्न हुए, उत्पन्न होकर के क्या किया, ये सब प्रसंग बताना है। तो कहते हैं कि है ना, उदात्मृतम विश्वमिदम तदाशित। तदा माने प्रलय काले, महाप्रलय के समय में, इदम विश्वम उदात्मृतम माने उदकेन आप्लुतम निलीनम, प्रलय कालीन समुद्र के जल में डूबा हुआ था सारा विश्व। तदाशित यन्निद्रया मीलित दृंग निमीलयत, क्यों डूबा हुआ था? तो कहते हैं कि उस समय नारायण भगवान निद्रा से युक्त हो गए थे। नारायण भगवान योग निद्रा में स्थित हो गए थे, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, किंतु उनकी आंतरिक चित दृष्टि का विलय नहीं हुआ था। अमीलित दृक का मतलब है निद्रा अमीलित दृक, निद्रा तो ले रहे हैं किंतु चित शक्ति उनके भीतर ज्यों के त्यों जागृत है। दृष्टित्व सब प्रकार दृष्टित्व वह मिलित नहीं हुआ, अमिलित बना रहा, किंतु ऊपर से देखने में ये लगा कि भगवान सो रहे। निमीलयत, कहां पर भगवान सो रहे थे? प्रलय काल के जल में, समुद्र में। तो अहिंद्र तल्पे दिशयान एक, अहिंद्र भगवान शंकरसन शेषनाग के तल्प सैया पर शयन किए हुए थे, अकेले थे। कृतक्षण स्वात्मरतौ निरीह, उस समय भगवान अपने आत्मस्वरूप में रत थे, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित थे, है ना, मतलब निरीह कुछ कर नहीं रहे थे, अपने आत्मस्वरूप में स्थित थे। निरीह माने कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। और कहते हैं कृतक्षण का मतलब यहाँ यह है कि भगवान जब प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेते हैं तो काल शक्ति को सौंप देते हैं, काल शक्ति को एक तरह से पहरा देती रहती है कि देखो इतने समय के बाद फिर सृष्टि की रचना होनी है, तो वह जो काल सृष्टि है वह प्रतीक्षा करती रहती है, वह नहीं सोती है, जागती रहती है, और वह उतने समय तक मौजूद रहती है। इसके बाद जब प्रलय का समय पूरा हो जाता है तब भगवान के भीतर संकल्प जगता है, यही बात कह रहे हैं। ठीक है, तदेवं शंकरसनात् संप्रदाय प्रवृत्ति प्रदर्श। इस प्रकार से भगवान शंकरसन के द्वारा शंकादिकों को, शंकादिकों के द्वारा सांख्यायन को, सांख्यायन के द्वारा पराशर जी को, पराशर जी के द्वारा मैत्रेय जी को जो श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई, उस परंपरा का उल्लेख करके विभूति कथनाय पद्मोद्भवं भक्तुमाह, भगवान की विभूतियों का कथन करने के लिए पहले
पद्म की उत्पत्ति को कहने जा रहे हैं। भगवान के नाभि कमल की उत्पत्ति पहले हो, प्रकट हो, किंतु नाभि कमल के प्रकट होने के पहले भगवान किस दशा में किस अवस्था में है ये बता रहे। उदातुलकम् एकार्णवोदके निमग्नम्, उस समय प्रलय काल के समय प्रलय समुद्र में सब कुछ डूबा हुआ है, निमग्न है। यत यदा आसीत, जिस समय सारी सृष्टि प्रलय कालीन समुद्र में निमग्न है, डूबी हुई है, और तब तदा अमीलित द्रक आतिरोहित चित शक्ति रेव, उस समय भगवान की चित शक्ति तिरोहित नहीं हुई। वो तो प्रलय में भी तिरोहित नहीं होती, वो तो कभी तिरोहित होती ही नहीं। तो जिन भगवान की चित शक्ति का कभी तिरोधार नहीं होता, आतिरोहित शक्ति रहते हुए ही श्री नारायणो नेत्रे निमीलित वा नित्यर्थ, ऐसे नारायण भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, शक्ति तिरोहित नहीं हुई। कहते हैं कि माया विनोदम परित्यज्य, क्या मतलब नेत्र बंद कर लेने का? कहते हैं माया विनोदम परित्यज्य, सृष्टि स्थिति और ये सब तो माया का विनोद ही तो है भगवान की लीला। उसको छोड़ करके, खेल को छोड़ करके, स्वात्मरतौ स्वरूपानंदे एव कृतोत्सव, अपने स्वरूप के आनंद में ही निमग्न है भगवान। अतएव निरीहो, इसलिए निरीह निष्क्रिय है, कुछ करना धरना नहीं। खेल कूद में तो हरकत करना पड़ेगा, निरीह सन। और तब सोनता शरीर पितभूत सूक्ष्म कालात्मिकाम शक्ति मुदीरयाण वास तस्मिन सल्ले पदेशे यथा नलो दाउ निरुद्ध वीर्य। इसके बाद कहते हैं कि उस समय अंतः शरीरे अर्पित भूत सूक्ष्म, भगवान के शरीर के भीतर, विग्रह के भीतर है ना, समग्र विश्व ब्रह्मांड का जो सूक्ष्म भूत है, भूत सूक्ष्म कालात्मिकाम शक्ति मुदीरयाण, उस समय काल नाम वाली शक्ति उसको भगवान ने प्रेरित किया, शक्ति को उच्छलित किया। उदीरयाण या उसकी प्रतीक्षा में थे, वास तस्मिन सल्ले पदेशे, उस समय भगवान अपने स्वरूप पद में स्थित थे, जलाशय के में, यथा नलो दारु निरुद्ध वीर्य, जैसे अनल माने अग्नि काष्ठ के भीतर अप्रकट हो करके जिसकी दाहिका शक्ति प्रकट नहीं हुई है, रुद्ध है, रुकी हुई है, किंतु अग्नि है, इस प्रकार से जैसे अग्नि स्थित रहती है, ऐसे ही भगवान के अंतः शरीर में समग्र विश्व ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से मौजूद है, और वह कालात्मिका शक्ति जब उसको ताकत्य का संकेत करेगी तब वह प्रकट होगा सूक्ष्म प्रपंच। तब तक के लिए भगवान अपनी सारी शक्तियों को अपने में निलीन किए हुए, शयन किए हुए हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। टीका, काल शक्ते प्रेरणम पुनः सृष्टि अवसरे प्रबोधनार्थम, काल शक्ति का जो प्रेरण है वह सृष्टि के अवसर में जगाने के लिए है। माने भगवान पहले से ही काल शक्ति को काम सौंपे हुए हैं कि देखो इतने समय जगना है,
तो इसके लिए काल शक्ति को जगाए रखते हैं। से पदे अधिष्ठाने, उस समय भगवान अपने स्वरूप अधिष्ठान में शयन किए रहते हैं। बहिर्वृत्त भावे दृष्टान्त, उस समय भगवान की बाह्य दृष्टि नहीं है, उसमें दृष्टांत है। जैसे अग्नि काष्ठ में व्याप्त तो रहती है और उसकी दाहिका शक्ति छिपी रहती है, ऐसी हालत है। अच्छा, अब देखिए अब पद्म की उत्पत्ति कैसे हो रही है। चतुर्युगानां च सहस्रमत्सु स्वपन स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाक्षया साधित कर्म तंत्रो लोकानपीतां ददृशे स्वदेहे। यह प्रलय काल कितना होता है? 1000 चतुर्युगी, ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। इतने समय तक ब्रह्मा की रात्रि तक प्रलय बना रहता है ना। तो चतुर्युगानां च सहस्रम, चारों युगों की 1000 चतुर्युगी, इतने समय तक भगवान नारायण जल में शयन किए रहते हैं आप सुस्वपन, किंतु स्वयोदीरितया स्वशक्त्या, काल नाम वाली जो शक्ति भगवान की अपनी है ना, कालाख्या साधित कर्म तंत्र, जो कर्म तंत्र को है ना अपने अधीन रखती है, कर्म तंत्र को अपने अधीन रखती है, या काल रूपी शक्ति के अधीन रखते हैं भगवान। लोकानपीतान ददृशे स्वदेहे, जब वहाँ कालाख्या शक्ति जो कर्म तंत्र को है ना छिपाए रखती है, उसके जब पाकत्य का समय आया तो जो सारे लोग भगवान के अपने देह में लीन थे, अतीत माने लीन थे, विलीन थे, उनकी ओर भगवान की दृष्टि गई। बस भगवान की दृष्टि जाते ही पद्म प्रकट हो जाए। ठीक है, स्वयाचित शक्त्या सह वर्तमान एव, ये तो पहले भी कह चुके हैं, भगवान की चित शक्ति का कभी भी विलय नहीं होता, उसके साथ में भगवान वर्तमान है, वर्तमान एव। योग निद्रया स्वपन, योग निद्रा से सो रहे हैं, चित शक्ति अंदर वर्तमान है। पूर्व में बोधनार्थम नियुक्तया, और सोने के योग निद्रा के पहले जगाने के लिए नियुक्त कर रखा है काल शक्ति को। जैसे कोई व्यक्ति जल्दी ट्रेन पकड़ना है तो संकल्प करके सोता है कि भाई हमको इतने बजे उठना है, तो उठ जाता है, जग जाता है। तो नियुक्तया स्वकाल शक्त्या आसादितम प्रापितम कर्म तंत्रम क्रियाकलापो यस्य सः, उसी काल शक्ति का जब समय हुआ तो उसके द्वारा कर्म तंत्र क्रियाकलाप आसादित हो गया, प्रगट होने का समय आ गया। मतलब इसलिए भगवान को अतीतान लीनान ददर्श, इसलिए भगवान के ही अपने देह में सारा ब्रह्मांड जो लीन था वह दृष्टिगोचर हो गया, दृष्टि चित शक्ति के का दृश्य बन गया। और तब और कहते हैं तस्याथ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्म सदा भिद्यत नाभिदेहात। देखिए काल क्या करता है, प्रकृति माया के गुणों को क्षुब्ध कर देता है। सत्वादि गुणों में क्षोभ नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी, तो वही काल का यहाँ पर क्रियाकलाप बता रहे हैं। तस्याथ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे, जिन भगवान के भीतर
समग्र विश्व ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप प्रविष्ट है, अधिनिविष्ट है, वह उनकी भगवान की दृष्टि का विषय बन गया। माने विश्व ब्रह्मांड भीतर जो है वह सब भगवान की दृष्टि का विषय बन गया। वह क्या है? अंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान, जो अंतर्गत भगवान के भीतर जो पदार्थ है, वस्तु है, विश्व है, रजोगुण के द्वारा वह क्रियाशील हो गया। गुणेन कालानुगतेन विद्धः, रजसा गुणेन, रजोगुण के द्वारा, रजोगुण शुद्ध क्यों हुआ? कालानुगत होने से, काल ने जब प्रेरित किया तो रजोगुण जो है क्रियाशील हो गया। रजोगुण तो क्रियाशील होता ही है, तो उससे विद्ध होकर के, क्या विद्ध होकर के, वह जो भगवान के अंतर्देह में सारा विश्व ब्रह्मांड मौजूद था, वह क्षुब्ध हुए रजोगुण के द्वारा विद्ध हो गया, प्रभावित हो गया। विद्ध होना तो प्रभावित हो जाना, तदाधिद्यतनाभिदेशात, वही फिर बाहर प्रकट होने के लिए नाभिदेशात अधिद्यत, नाभि देश से बाहर प्रकट हो गया पद्म के रूप में। टीका देखिए, लोक सृष्टि अर्थम अर्थ सूक्ष्म में अधिनिविष्टा दृष्टिर्यस्य, है ना, काल का समय है आने पर लोक सृष्टि के लिए जो विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर मौजूद है, है ना, अधिनिविष्ट है, उसमें भगवान की दृष्टि गई। कालानुसारिणा रजोगुणेन विद्धः, काल का अनुसरण करने वाला जो रजोगुण, उसने उस प्रकट होने वाले ब्रह्मांड को विद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया, बाहर प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। विद्ध संशोभिता सन तनियान अति सूक्ष्म अर्थ, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ जो भगवान के अंदर था, सूष्यन प्रसोष्यन, वही प्रकट होता हुआ, प्रसव को प्राप्त होता हुआ, उद्भविष्यन माने प्रकट होने के लिए, नाभि देशाद उद्भूत इत्यर्थः, नाभि देश से वही पद्म के रूप में प्रकट हो। समग्र विश्व ब्रह्मांड ही भगवान के नाभि देश से प्रकट हुआ सूक्ष्म रूप उसका। ये तो और आगे स्पष्ट होगा। अब वह पद्म कोश क्या है जो भगवान के नाभि से प्रकट हुआ? सा पद्म कोश सहसोदतिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन् नरक इवात्मयोनिः। कहते हैं कि सा पद्मकोश, वह पद्मकोश भगवान के नाभि से प्रकट होने वाला है ना, कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सहसा प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो गया? कर्म को जगाने वाला जो काल, भगवान ने काल शक्ति को नियुक्त किया था ना, उस काल ने क्या किया? रजोगुण को क्षुब्ध किया। रजोगुण जो है क्रियात्मक है, तो उससे समग्र अनंत प्राणियों के उत्पन्न होने वाले प्राणियों के कर्म जग गए, प्रकट हो गए। हमको पैदा करो, हमको पैदा करो, हमको पैदा करो। समग्र अनंत अनंत प्राणियों के जो पके हुए कर्म हैं, कर्म फल हैं, वे जग गए प्रतिबोधनेन, काल शक्ति की महिमा से यह हुआ। और तब वह सहसा अकस्मात पद्मकोश के रूप में प्रकट हो गया। और वह इतना विशाल है, मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालम,
अपने प्रकाश से तेज से उस विशाल जलाशय को प्रलय समुद्र को जैसे सूर्य उदित होने पर चारों ओर तेज फैल जाता है ऐसे भगवान के नाभि कमल के प्रकट होते ही वह विशाल प्रलयकालीन जलाशय जो है प्रकाशित हो गया विद्युत नरक युवात्म योनि क्योंकि उसकी योनि कारण तो आत्मा माने भगवान ही है भगवान से ही तो प्रकट हुआ ठीक है समय हो रहा है सतनियान अर्थ पद्मकोश अत्यंत सूक्ष्म अर्थ जो पद्मकोश के रूप में प्रकट हुआ भगवान के नाभि से सन उदतिष्ठत कर्मान जीवा दृष्टानि कर्म कौन जो काल के द्वारा जगाए गए जीवों के अदृष्ट माने पूर्व कल्प में पूर्व जन्म में किए गए जीवों के जो कर्म है वे जग गए फल पालने के लिए प्रतिबोधयत यह काल उनको जीवों के अदृष्ट को जो जगाता है वह काल उसी के द्वारा जगा देने से आत्मा से विष्णु योनिर्यस्त तल्लोक एक एक तल्लोक पद्मम सव्येव विष्णु प्राविविशत सर्व गुणावभासम तस्मिन् स्वयं वेद मयो विधाता स्वयं भुवं यम स्म बदंति सुभूत वह भगवान के नाभि से प्रकट होने वाला लोक रूपी पद्म लोक पद्म है ना वह वास्तव में साक्षात भगवान विष्णु ही उस रूप में प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान ही संसार बनाने वाले और भगवान ही संसार बनने वाले कर्ता भी कर्म भी वही और उसी में भगवान विष्णु प्रविष्ट हो गए प्राविविशत सर्व गुणावभासम है ना और समस्त गुणों को अवभाषित करने वाले उस पद में जिस लोक पद में सारे गुणों का अवभाषण है माने समग्र भविष्य में प्रकट होने वाला विश्व ब्रह्मांड प्रपंच जिसमें की 14 भुवन है और क्या क्या है नक्षत्र मंडल सूर्य मंडल चंद्र मंडल सभी कुछ उसी में है तो इसलिए वह सर्व गुणावभास है उसमें तस्मिन स्वयं वेद मयो विधाता उसी कमल में लोक पद में वेदमय विधाता जिनको वेद का ज्ञान पहले से बना हुआ है स्वयं भुवम यम सुवदन्ति सो भूत जिनको स्वयंभू कहा जाता है स्वयंभू माने अपने आप जो पैदा हुए कोई पैदा करने वाला दिख नहीं रहा है तो अपने आप पैदा हुए है ना कहते हैं कि ये जो स्वयंभू ब्रह्मा है ये भगवान स्वयं हो गए यम स्वयंभुवम बदन्ति सह अभूत वे स्वयंभू ब्रह्मा भगवान विष्णु ही हो गए ये देखिए माने वे ही भगवान लोक पद्म बन गए उसको उसमें व्याप्त हो गए और उसमें जो ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य हुआ वह भी भगवान ही ब्रह्मा के रूप में प्रकाशित हुए प्रकट हुए ये कहना ठीक है ज्यादा है क्या ठीक है तल्लोक लोकात्मकम पद्मम सर्वान गुणान जीव भोग्यान अर्थान अवभाषयति तथा वह भगवान के नाभि से प्रकट लोक पद्म समस्त जीवों के भोग्य अर्थों को वस्तुओं को पदार्थों को भाषित करने वाला है सब कुछ वही है तद यस्मात् जातम सैव विष्णु ऐसा वह लोक पद्म जिससे प्रकट हुआ है वे ही भगवान विष्णु है उहित संबोधने ऊ करके संबोधन कर रहे हैं कि वे प्राविविशत प्रकर्षण अलुप्त शक्ति एवांतरयामितया विवेक इसलिए वे भगवान ही उस पद में प्रविष्ट हो गए तत्सत्वा तदेव अनुप्राविशत है ना अंतर्यामी रूप से विवेक प्रविष्ट हो गए
तस्मिन् विष्णुना अधिष्ठिते पद में, और भगवान के द्वारा अधिष्ठित पद में जब हो गया तब विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा भूत प्रथम भूत, ब्रह्मा कैसे हुए? स्वयं वेदमय न त्वध्ययन प्राप्त वेद, स्वयं वेदमय है, अध्ययन के द्वारा उनको वेद प्राप्त हुआ ऐसा थोड़ा ही है। कोशव कौन है ये? कहते हैं भाई अदृश्य पितृत्वेन यम स्वयं भुवम बदंती, जिनके पिता को किसी ने देखा नहीं इसलिए सब यही कहते हैं कि स्वयं भू है, अपने से हुए, स्वयं पैदा होने वाले, ये मतलब हुआ, ऐसा कहते हैं। प्राक कल्पांते नारायणेन सह निद्रयैकी भूत आसीत, श्रीधर स्वामी अपनी ओर से कहते हैं कि पहले कल्प के अंत में नारायण भगवान के साथ निद्रा के रूप में एकीभूत हो गए, है ना। अब तस्मिन् से प्रबुद्धे, जब नारायण भगवान जगे तो तत्व पाद में कल्पे पद्म द्वारेण अभिव्यक्तिम प्राप्त, तो वे ही पद्म के पाद कल्प में पद्म के द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त हो गए। बस ये है सृष्टि विज्ञान।